हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, हम अपने यूट्यूब चैनल पे, वही यूट्यूब चैनल नहीं, फेसबुक चैनल, वेबसाइट पे ये वीडियो वायरल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कभी कभी जो पर्सन अकेला अपने आप को हो जाता है, कभी भी हम लोग अपने आप को अकेला नहीं समझते हैं, बट अदर पर्सन अगर अकेला समझ जाता है तो उस पर अट्रैक्ट बार 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 करता रहता है। तो हम लोग के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक, तो हम पहले, इसके पहले कुछ विवादित वीडियो आपको बना करके शो किए थे, बट एब्सोल्युटली पुरानी वीडियो और न्यू वीडियो दोनों मैच करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इससे 6-7 महीने पहले हम लोग का कुछ विवाद जमीन का चल रहा था, जिसे यहाँ पर हम बताए थे। अभी वो विवाद फाइनल हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि 116 का हम लोग जो है मुकदमा दर्ज किए थे, वो मुकदमा उठाया गया नहीं है। बट इसमें लोग क्या किए कि आपस में कुछ लोग, जिसे विवाद था बगल में, वो लोग कुछ जमीन का रजिस्ट्री भी करवाए, ठीक है। बट हमारे हस्बैंड सोचे कि हम खारिज दाखिल होने नहीं देंगे, इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, बट हम उस पर मना किए इनको कि अब चलिए हम लोग का जैसे मैटर सॉल्व हुआ है इसी तरह से रहने देते हैं, ये लोग भी अपने में समझौता करके कर लें। बट इन लोगों में जब विवाद है, पीछे की जमीन पेड़ वाला जो दिख रहा है देख सकते हैं, ठीक, यदि ये लोग आपस में समझौता कर सकते हैं, अपना कितना अच्छे से समझौता कर लिए, इनको जब चाहिए था गाइस, तो क्या करेंगे कि इसमें आपस में जो है समझौता करके इस जमीन का जो है रजिस्ट्री, जो सामने आप देख रहे हैं घर, इसके ठीक पीछे अपना ये जो मकान जिस भैया का दिख रहा है, अब इनको भाई बड़े हैं तो बड़े को ऑलरेडी रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब इनके पास इनके माँ बाप इन्हें संस्कार नहीं दिए हैं कि बड़े हो या छोटे इसके ऊपर हाथ उठाना उचित है या अनुचित है, बट हमारे जो पेरेंट्स जो है या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ऐसा संस्कार नहीं दिए हैं, बड़े छोटे का कद्र करने के लिए दिए हैं। बट कहा गया है कि शांत वहाँ रहना चाहिए, जो हद से पार हो जाता है तो वहाँ पर शांत रहना भी अनुचित है, गुनाह है, पाप है। तो हमने बता दिया कि जो मकान सामने दिख रहा है, इन्होंने जो है इसी अपने घर के पीछे जो है कुछ जमीन रजिस्ट्री करवाएं, ठीक है। हम लोग नहीं बोले क्योंकि चलिए भाई आपस में मिल करके रह लिया जाएगा, क्योंकि इन लोग इनके पापा जो है 6 भाई हैं, तो 30 बीसें जमीन में से 5-5 बीसें हैं, तो चलिए थोड़े में से 5 बीसें से क्या होने वाला है, आपस में मिल करके ये लोग मिल के रहेंगे, जैसे 2 भाई 1 जगह 2 भाई 1 जगह, काफ़ी जमीन लोगों के पास भी हो जाएगी, मकान बनाए हुए हैं। बट जो है पीछे इनके बड़े पापा रहते थे, आगे ये लिए हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पेड़ वाला पार्ट हो, जो इसमें आप इसका रजिस्ट्री इनके बड़े पापा इनके लिए किए हैं, जो सामने मकान है। और सबसे हद से ज़्यादा विवाद करने वाले यही हैं, जिनका मकान दिख रहा है यही भैया, क्योंकि ये पानी जो है यही पहले बहवा रहे थे हमारे नए में, अब तो पूरा जो है इसका जो है नक्शा ही चेंज हो चुका है, क्योंकि हम लोग को जो गड़बड़ जमीन है पीछे से दिए थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ था कि हमारे इसमें जो है सारी सच्चाई को जान गए और जीत पे बैठ गए, अड़े थे कि जब तक हमें जो है सही जमीन सामने रोड तक नहीं मिलेगी तो पीछे हम लेने वाले नहीं, क्योंकि इसमें भी हम बता दें आपको कि कुछ जमीन सही थी, कुछ जमीन सही नहीं थी, ठीक है। इसमें 92 बिस्से जो है 92 3 बाबा के लिए 92 बिस्सा जमीन थी गाइस, हिस्से पर तीनों बाबा के हिस्से का मतलब 30-30 बिस्से थी, तो जिसमें 92 में से 2 बिस्सा 6 धूर जमीन, ठीक है। चाहते हैं कि जैसे ये लोग बना रखे हैं, तो इन लोगों से भी हम लोग सोच रहे हैं कि भी 2-4 रूम बना करके शटर वटर लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही सोच रहे थे, अचानक ये हम लोग के ऊपर विवाद आ गया। विवाद फैलाने का किसको श्रेय जाता है, वो भैया को हम फोटो इमेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये भी पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, सेंसिटिव हैं। कहा गया है कि कंटेंटमेंट इज़ ए वेरी हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम, संतोष रखेंगे, संतुष्टि रहेगी तो आप, यदि आपके पास संतुष्टि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, भैया हैं इनके पे मैं कह रही हूँ कि शुक्र गुजार है, क्योंकि इन्होंने ही इस विवाद को फैलाने का काम किए, पुराने विवाद का यही जड़ है। और इस विवाद का जड़ हम खुल्लम खुला कह रहे हैं कि ये है, क्योंकि वो जो बुजुर्ग दिख रहे हैं बड़े पा बैठ करके इस पे पूरा जिम्मेदारी के साथ बना रहे थे, और हमारे खेत में नाली का मुहाना गिरा रहे थे। मम्मी ने पापा देखे, मम्मी से बोले, मम्मी पापा गए वहाँ पर मौके पे मना कर रहे थे, तो कहें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, मतलब अपने 6 भाइयों के लिए लड़ाई लिए कि ये पाइप लगेगी, देख रहे हैं पूरे पाइप लगी हुई है, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब वो बना था टैंक टाइप गर्त बना हुआ था, लेकिन अब जब विवाद फैला तो इस गर्त को मिटा चुके हैं, माटी भर दिए हैं, ठीक है। फिर समय आएगा तो अपना खोल लेंगे विवाद को थोड़ा से फाइनल होने के लिए। तो ज़िंदगी में विवाद फाइनल होने वाला नहीं ना, हम लोग होने देंगे, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर भी रूम बनाना है, वहाँ पर कुछ सिस्टम करना है, तो क्यों हम अपने दरवाजे पर नाली बहवाएंगे। तो क्योंकि ये यदि प्रधान के द्वारा दी गई पुलिया होती, गाँव का पानी बहता, तो यहाँ पर हम कुछ क्षण के लिए रुकते, क्योंकि आपको सिंचाई करना है, अपने खेत में सिंचाई करना है, तो आप खुद क्यों नहीं अपने जो है चक में ले जाकर के उसे गिराते हैं, क्यों किसी दूसरे को तंग करते हैं? आज नहीं तो कल, 2-3 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर इसे हटना ही है। वहाँ सारा जोर हम लोग लगा लेंगे, आपके पास जितना विल पावर होगा अपना पावर भी लगा दीजिएगा उसे वहाँ यथास्थान रहने के लिए, हम लोग अपना पावर लगा लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग शांत पड़े हुए थे, बट अब लेकिन जागरूक होंगे, उसे हटाने की कोशिश करेंगे उस पुलिये को, क्योंकि वो गलत है।
गलत है, रोड है, रोड बना है, लोग कह रहे हैं कि TW है तो वहाँ पर बना हुआ है रोड, तो बीच में से पार्ट करेंगे तो आधे की तरफ आप रहेंगे आधे की तरफ हम रहेंगे। ये नहीं कि हम मकान बना हुआ है बीच से रोड गया हुआ है तो कोई उस पार का आके हमारे दरवाजे पर हक जताए कि हम इधर ये चीज़ कर लेंगे, कोई नहीं, ये गलत है सरासर, कोई भी देखेगा। आज आप जो है थाने पर पैसा दे करके भरे हुए हैं तो आज आपकी वाली कहेंगे, कल जो है वही चीज़ यदि धीरे धीरे उसका असर खत्म होगा हमारी भी सुनेंगे लोग। ये बड़े पा हैं और ये बड़े भैया हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बड़े भैया हैं, इन दोनों लोग को हम रिस्पेक्ट देते हुए मीडिया में प्रसारित करना चाहते हैं कि ये दोनों लोग गलत हैं, क्योंकि दूसरे की चीज में जबरदस्ती से वहां पर अपना हक जता रहे हैं। जो बड़े भैया हैं इनको मैं सूचित करना चाहती हूँ कि जब आपका वहाँ न खेत है न सामने न चक है जहाँ पर पाइप गिरी हुई है, पानी गिरने का स्थान बना हुआ है, तो आप कौन होते हो लड़ाई लेने वाले? आपके अलावा तो एन अदर्स लोग भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे आई एम वेरी अंडरस्टूड बट एब्सोल्युटली कि आप बिल्कुल हाथ धो करके इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि ये अकेले नहीं हैं। आई होप आपको अभी पता नहीं है, चलिए अब से लड़ाई हम लोग की छिड़ चुकी है और छिड़ेगी रहेगी भी ऑलवेज।